दस वर्ष से यह मूर्ति मेरा ही इंतजार कर रही थी। देखो उनकी कृपा तो मुझ पे आ गई कि 10 वर्ष से मूर्ति इंतजार कर रही थी और मुझे भी समय कम मिला, जो हमारा सबसे पावन दिन है, जिस दिन कृष्ण कन्हैया आए थे। तो कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है, हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। राष्ट्र निष्ठा के साथ हमारी बदलनी चाहिए। राष्ट्र निष्ठा व्यक्तिगत कर्तव्यों से आगे बढ़ती है। जो पंच प्रण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी के अंशों का सर्वथा समाप्त करेंगे, अपने वीरों का, सैनिकों का सम्मान करेंगे, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे, किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। बहनों और भाइयों, जिस देश में दुर्गादास राठौर जैसे महान वीर पैदा होते हो, उस देश का कोई विदेशी आक्रांता कैसे बालमांगा कर सकता है। और भारत की आजादी अगर आई, वापस आई, भारत आजाद हुआ तो ऐसे वीरों के कारणों से, उनके कृतित्व से, उनके शौर्य पराक्रम से। और शौर्य पराक्रम जो कभी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, जब अंग्रेज उन्हें गोरखपुर जेल में बंद किए और फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे, उन्होंने पूछा कि भाई कोई अंतिम लालसा, कोई अंतिम अभिलाषा, तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा, एक ही बात उन्होंने कहा कि इस भारत वर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, मेरे जीवन बार बार इस हिंदुस्तान की धरती पर मैं जन्म लूं और सदैव मृत्यु का कारण देश और समाज के कल्याण, उसके उत्थान, उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि मेरी बननी चाहिए। बहनों और भाइयों, यही भारत के सभी क्रांतिकारियों का घोष था, तेरा वैभव अमर रहे मां। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।